मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और फीटल मेडिसिन का काम करता हूँ, गर्भस्थ शिशु को देखभाल और जेनेटिक रोगों की रोकथाम के लिए। आज हमारे पास में एक पेशेंट आई है, कंसाइमिनस मैरिज है उनका, और एक जो बच्ची है इनकी, वो बच्ची ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर से ग्रसित है और उसको आई सेल डिजीज बोलते हैं, और ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म से होती है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होती है। आप कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछना चाहते हैं? सर, ये जो प्रॉब्लम आई है, क्या ये प्रॉब्लम पेट के अंदर ठीक हो सकती है सर कि नहीं हो सकती? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों आधे आधी बीमारी का प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं। तो जब ये बच्चा करते हैं तो कई बार कोई भी कॉम्बिनेशन, आधा खराब आधा अच्छा, या अच्छा अच्छा मिलके, या आधा खराब आधा अच्छा मिलके, या खराब खराब मिलके, कोई भी एक कॉम्बिनेशन से बच्चा हो सकता है। अब कौन से कॉम्बिनेशन से बच्चा होगा वो कुदरत जाने, वो सिक्के उछालने जैसी होती है। पर एक बच्ची, आप इनको थोड़ा सा दिखाओ, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की पेशेंट है और शी इज 4 इयर्स ओल्ड, और ये जो कपल है, ये चूंकि इस बच्ची को, आप जो पूछ रहे थे क्या ठीक हो सकती कि नहीं हो सकती, कोई भी जेनेटिक बीमारी जो स्ट्रक्चरल बन गई वो 95-98% ठीक नहीं हो सकती, पर जेनेटिक रोगों को रोका जा सकता है। अब जेनेटिक रोगों को यदि रोका जा सकता है, जैसे पहले बच्ची पैदा हो गई, पहले पता ही नहीं था ना, पता नहीं था लेकिन ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, पेट के अंदर डेड थी वो। एक बच्ची पहले पेट के अंदर डेड थी जी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पेट के अंदर डेड थी उसका डिटेल भी नहीं किया किसी ने, जानकारी नहीं हुई, उसकी जानकारी नहीं हुई जी। यदि वो डेड क्यों करी जी, उसका यदि जांच होता जी, तो जो आपको बच्ची अभी पैदा हुई ये बच सकता, मतलब इसको रोका जा सकता जी, जी, हाँ। पर ठीक है, जो भी है अपने पास में है, पर ऐसे प्रॉब्लम लेके आपको परेशानी तो बहुत हो रही होगी। बहुत परेशानी हुई है सर, बहुत दिन तक, आज 3 साल हम लोग बहुत घूमे, दिल्ली गए, नागपुर गए, बहुत हर जगह, पूरे शहरों में हम घूम चुके हैं इस बच्ची को लेकर के, सतना कटनी कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां लेकर हम इस बच्ची, मतलब आपको डर ये था कि एक तो ये हो गया फिर से ना हो जाए, हाँ ये भी बहुत डर था, क्योंकि अभी ये प्रेग्नेंट है, अभी फिर से ना हो जाए। तो फिर से ना हो जाए का जो साइंस है वो फीटल मेडिसिन और जेनेटिक्स कहलाता है। ये लेडी का जो पहली जो बच्ची है उसका जेनेटिक डिजीज का डायग्नोसिस करके इस पेशेंट का जो प्रेगनेंसी है, इसमें अब ये मेरे पास थोड़ा लेट आई है, पर इसका यदि हम तीसरे महीने में कोरियन विलर सैम्पलिंग करते हैं, तीसरे महीने में यदि कोरियन, अभी तो ये 4-5 महीने क्रॉस हो गई, कोरियन विलर सैम्पलिंग करते तो तीसरे महीने में ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं वो बता सकते हैं। तो जितना लंबा प्रेगनेंसी चली जाती है उतना मदर को तो तकलीफ होती है, तो बेहतर ये होता है कि आप इसको प्रीनेटल डायग्नोसिस बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम इस पेशेंट को एमनियोसेंटेसिस से सेल निकाल के इसके भीतर पलने वाले बच्चे को ये जांच कर सकते हैं कि जो पहली बच्ची जो आपने फोटो देखी वैसा, इनको इसको आई सेल डिजीज बोलते हैं, इंक्लूजन सेल डिजीज बोलते हैं, वो बीमारी इसमें है कि नहीं। ये जो तकनीक है, ये तकनीक आप जो दूसरे जेनेटिक बीमारी होती है, कई बार बीटा थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल होता है, नाम सुना होगा, और डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हाथ पैर में मसल खराब हो जाता है, जो एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो फिर ना वो ठीक नहीं होता, पर आप इन बीमारियों को रोक सकते हैं। तो यदि आप थोड़ा जानकारी रखेंगे कि कैसे रोक सकते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं, मतलब आपको एक बच्चा अच्छा मिल सकता है जी। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जेनेटिक रोगों को आप ठीक तो नहीं कर सकते, पर जेनेटिक रोगों से ग्रसित बच्चों को आने से आप रोक सकते हो।
यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि जेनेटिक रोग का जो डिजीज का जो लोड है, थैलेसीमिया का बोलें, इस पेशेंट का बोलें, ये समाज पे कम हो, तो जो पेरेंट्स हैं, जो दंपत्ति, उसके ऊपर जो बोझ जाता है वो कम हो सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजी हुए आप इस बातचीत में, ताकि दूसरों को थोड़ा हेल्प हो सके। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक यू, और सब ठीक रहे, खुदा करे।